नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज हम फिर से 13 सितंबर का डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन हमारे पास हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर झारखंड। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो झारखंड की यात्रा पर हैं, और झारखंड के बारे में हम आपको बता दें कि वहाँ पर इन्होंने नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया है। वहाँ पर इन्होंने जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी की शुरुआत भी की है, एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना व्यापारियों के लिए भी इन्होंने झारखंड में ही शुरुआत की है। तो आज बहुत सारी योजनाएं और विधानसभा भवन का उद्घाटन जो है आपका झारखंड में किया गया है। हम झारखंड के बारे में, राज्य के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको हर एक स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा ब्यौरा लेकर आया करूँगा। तो आज झारखंड की बात निकली है तो हम झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य है, जो कि बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। तो झारखंड का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को माना जाता है। झारखंड की यदि हम राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। इसमें 24 जिले हैं और जो राजभाषा है यहाँ की वो है संथाली। विधानमंडल की यदि हम बात करें तो झारखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। विधानसभा सीटों की यदि हम बात करें तो विधानसभा सीट जो है यहाँ पर 82 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 एवं लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में हैं। झारखंड की सीमा जो है बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से लगती है। एरिया के हिसाब से यदि हम बात करें तो झारखंड का 15वां स्थान है, एवं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का 14वां स्थान जो है भारत के अंदर है। इसके बाद में जो पारसनाथ की पहाड़ी है उस पर जैनियों का मंदिर है, शिखर जी का मंदिर जो है वो झारखंड में ही उपस्थित है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी हिंदी। यदि झारखंड के राज्य की पशु की बात की जाए तो वो है भारतीय हाथी। पक्षी की बात की जाए तो वो कोयल है। यदि पुष्प की बात की जाए तो पलाश है, एवं यदि वृक्ष की बात करें तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो साल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे झारखंड के बारे में। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और झारखंड की जो राज्यपाल हैं वो है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो है हमारे श्री रघुवर दास। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट AMRRND की अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष का क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है क्योंकि अभी हाल ही में भारत जो है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब का सदस्य बन चुका है, तो इसलिए इनके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं बर्सविल फ्रेम, एंटोनियो गुतरेस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बर्सविल फ्रेम। एंटोनियो गुतरेस की यदि हम बात करें तो ये जो है हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, G20 नेताओं द्वारा 2017 में किए गए आह्वान के कारण विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 71वें सत्र से इस केंद्र की शुरुआत हुई थी, 2018 में की गई थी। ग्लोबल AMRND हब का परिचालन जो है बर्लिन स्थित सचिवालय से हो रहा है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। वर्तमान में इसे जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है BMBF, और संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय BMG से प्राप्त अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। ये दोनों संस्थाएं हैं जो कि इसे वित्त पोषण प्रदान करती हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लीड्स इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन हमारे पास है दिल्ली, गुजरात, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात।
बात करते हैं हम लीड्स इंडेक्स या फिर लॉजिस्टिक इंडेक्स की, तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में गुजरात शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाला राज्य है। इसके बाद जो है पंजाब आता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। पूर्वी पहाड़ी राज्यों में यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो त्रिपुरा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में यदि बात की जाए तो चंडीगढ़ सर्वप्रथम स्थान पर है। आगे हम देखते हैं, प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत कहाँ से की? ऑप्शन हमारे पास हैं रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी झारखंड की यात्रा पर गए हैं, वहाँ पर जो है उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में हम थोड़ी सा जान लेंगे। जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है उनको इस योजना के अंतर्गत लाया गया है, एवं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वो सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 40 लाख से अधिक यदि आपका वार्षिक व्यापार है तो आपको GSTIN नंबर की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर उसे ₹3,000 मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। आगे हम देखते हैं, केंद्र सरकार जो इसमें मासिक अंशदान करेगी वो 50% होगा और लाभार्थी द्वारा 50% अंशदान किया जाएगा। वर्ष 2019 से 20 तक 25 लाख लाभार्थियों को तथा 2023 से 2024 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाने का प्रावधान रखा गया है। आगे हम बात करते हैं, समुद्री लक्ष्मण किन दो देशों के मध्य समुद्री अभ्यास है? ऑप्शन हमारे पास हैं भारत एवं मलेशिया, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं थाईलैंड एवं भारत एवं म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत एवं मलेशिया। आगे हम बात करते हैं, अभी जो हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्री और किल्टन आज कोटा किनाबालू मलेशिया पहुँचेंगे। ये जहाज 12 से 15 सितंबर तक 2019 तक मलेशिया की यात्रा पर हैं और वहीं पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैत्री किन दो देशों के मध्य होने वाला समुद्री अभ्यास है? क्योंकि समुद्री अभ्यास 2019 मैत्री अभी हाल ही में होने वाला। ऑप्शन हमारे पास है भारत एवं थाईलैंड, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार एवं भारत एवं भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत एवं थाईलैंड। भारत एवं थाईलैंड के बीच प्रति वर्ष जो है मैत्री अभ्यास चलाया जाता है। एक नज़र हम इस पर भी डालेंगे, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 16 सितंबर से 29 सितंबर तक मेघालय के उमरोई में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास मैत्री एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसे 2006 से थाईलैंड और भारत बारी बारी से आयोजित करते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म की यदि हम बात करें, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हमारे यहाँ पर MPATGM, ये इतना बड़ा जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीहरिकोटा, पोखरण, कुरनूल या फिर बेंगलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुरनूल, आंध्र प्रदेश में जो है DRDO ने इसका सफल प्रशिक्षण किया है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर, रणवीर सिंह को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन यहाँ पर हैं LG, सोनी, JBL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर JBL। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कब से कब तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है? ऑप्शन हमारे पास हैं 1 सितंबर से 15 अक्टूबर, 11 सितंबर से 2 अक्टूबर, 10 सितंबर से 1 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर से 30 अक्टूबर। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा यहां पर मनाया जा रहा है, वो भी भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है जो सालाना 688 मिलियन किलोवाट उत्पादन करने की क्षमता रखता है? ऑप्शन हमारे पास है लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वियतनाम। वियतनाम ने ही सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन करने का फैसला जो है लिया है।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर से मिलेंगे आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और डेली करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।